शहर की सड़कें तबेले में तब्दील है। कोटा से लेकर सवाईमाधोपुर तक सब जगह आवारा मवेशियों का भीषण आतंक है। आलम यह है कि सुबह धूप निकलने के साथ ही आवारा मवेशी सड़कों पर आ डटते हैं और दिन भर सड़कों पर उत्पात मचाते हैं। आवारा मवेशियों को लेकर यूडीएच मंत्री से लेकर कलेक्टर सब सख्ती दिखा चुके हैं, लेकिन आवारा मवेशियों से निजात मिलती नहीं दिखती। यह गौशाला की तस्वीरें नहीं है बल्कि बजरंग नगर की ओर जाने वाले कैनाल स्टील ब्रिज की, जहां गुनगुनी धूप का सड़क पर बैठकर आवारा मवेशी दिन भर आनंद लेते हैं। यहीं पास में हरा चारा बेचने के लिए विक्रेता बैठे रहते हैं। ऐसे में यह मवेशी दिन भर यहीं डटे रहते हैं। सड़क पर गुजरने वाले वाहनों के लिए भले ही यह आवारा मवेशी मुसीबत खड़ी करते हों, लेकिन इससे निगम को कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही आवारा मवेशी टकरा कर किसी की जान जाए या कोई अस्पताल पहुंचे, कुछ इस तरह के हालात शहर के मुख्य बाजार कुमानपुरा में देखने को मिले। परकोटो के केथुनी पुल में भी आवारा मवेशियों का भीषण आतंक है। नदी पार का इलाका सकतपुरा भी इससे अछूता नहीं है। शहर के नए कोटा के 3/32 सर्किल पर भी आवारा मवेशी धमा चौकड़ी मचाते नजर आते हैं। कुछ यही हाल पूरे शहर का है। सड़कों पर हर रोज आवारा मवेशियों का आतंक इस तरह देखने को मिलता है, लेकिन कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। भाजपा बोर्ड ने तो कागजी कार्रवाई के नाम पर पूरे 5 साल निकाल दिए, लेकिन सड़कों से मवेशी कम नहीं हुए। आप जिस तरह से रोड पे गायें खड़ी है, मुझे ये समझ नहीं आता। नगर निगम गायों को लेकर बंद भी करती है ठेक लगा के, लेकिन वो गाय वापस किस तरह से वापस रोड पे आ जाती है। एकदम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है नगर निगम अधिकारी भ्रष्ट है। इन गायों की वजह से कई बहनों के भाई, माओं के बेटे और महिलाओं के पति मुड़ चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सड़कों पे जगह जगह गाय मिल रही है, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी का कोई ध्यान नहीं है। बीजेपी प्रशासन था जब नगर निगम कोटा में, उसका तो कोई बिल्कुल ही ध्यान नहीं था। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे थे और पूछो मत, मतलब इतने लोग एक्सीडेंट में घायल हो रहे थे, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं था बिल्कुल भी। यहाँ पर शहर में जगह जगह पर गाय दिखती हैं, हर चौराहे पर लगभग गाय नजर आ रही है काफी ज्यादा संख्या में, और उसका खामियाजा वृद्धों को, बच्चों को, महिलाओं को विशेष तौर पर भुगतना पड़ता है, जिसे नियमित रूप से दुर्घटनाएं घटित हो रही है। और इसके लिए निगम आयुक्त को कार्रवाई करनी चाहिए और अधिकारियों को पाबंद करना चाहिए, और इन्हें बिल्कुल चौराहे से जो जो मेन मार्केट है, जो व्यस्त जगह है, उससे इन गायों को तत्काल। इस पर ध्यान तो दे रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो गया है, लेकिन अधिकारी वो पूरी तरह निकम्मे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं और गायों को गौशाला में शिफ्ट नहीं कर रहे। इससे आए दिन लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों के हाथ पेट टूट रहे हैं, ये निंदनीय है। सरकार को अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। शहर की सड़कों पर आवारा मवेशियों की समस्या को लेकर सांगोद विधायक व पूर्व मंत्री भरत सिंह भी तलखी दिखा चुके हैं। इस मामले में कई पत्र उन्होंने जिला कलेक्टर को लिखे, लेकिन आवारा मवेशियों की समस्या से निजात नहीं मिल पाई। चौंगा के सरकार के मार्फत जो नगर पालिका और नगर परिषद है, वो इन जानवरों के लिए बढ़िया इंतजाम करे, इनके चारा वगैरह, और जब इनका ठिकाना बना रखा है गौशाला वगैरह, और सरकार और अपने स्तर पे भी इनका एक ठिकाना बनाए, ताकि सारे जानवर वहाँ रहे, इनका पेट भी भर जाए और लोगों को, आने जाने वाले लोगों को तकलीफ भी हो। केस हमारे पास में जो आवारा कुत्तों ने काट लिया, 3-4 बच्चे घायल भी कर दिए, उसकी भी शिकायत की है। मगर अभी कोटा शहर में ऑल ओवर आवारा जानवरों का आतंक है, कुत्ता हुआ, गाय हुआ, भैंस, इन सबको अंदर करना चाहिए लोगों को, और इनके जो पशुपालक हैं, मालिक हैं, उनको सख्त से कार्रवाई करो। और जो धूप तो निकाल लेते हैं और गाय भैंसों को भी रोड पर छोड़ देते हैं, तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और बीजेपी का वोट जनता के लिए नकारा रहा है, कोटा की जनता आवारा पशुओं की वजह से हर रोड पर आए दिन एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं, युवाओं की मौत, कहीं से भी गाय निकल कर आ जाती है और उसका खामियाजा कोटा की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मवेशियों को पकड़ा नहीं जा रहा, गौशाला में बंद नहीं किया जा रहा, रोड पर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा जिससे कि चारा डालने वाले फट जाए रोड से। उधर रावतभाटा में भी आवारा मवेशियों का आतंक है। गौशाला बनने के बाद भी आवारा पशुओं की समस्या से निजात नहीं मिल पाई है। नगर पालिका ने मुक्तिधाम के पास लाखों रुपए खर्च कर गौशाला का निर्माण कराया गया था, लेकिन बावजूद इसके उपयोग के यहां के मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं और लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। साप्ताहिक हाट में पशु इधर उधर मुँह मारते रहते हैं। इनकी वजह से हाट चौक, NTC चौराहा, सिनेमा चौराहा, कोटा बैरियर सहित
कई चौराहों पर ट्रैफिक तक जाम हो जाता है। वहीं आवारा पशुओं की समस्या दूर करने के लिए नगरपालिका अब तक कोई ठोस पहल नहीं कर पाई है। लोगों को आवारा मवेशियों की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ गौशाला है तो, लेकिन इन पशुओं को उन गौशाला तक पहुँचाने का या रखने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पशु सड़कों पर आवारा घूमते हुए देखे जा सकते हैं। लोगों ने नगरपालिका और स्थानीय प्रशासन से इस समस्या को हल करने की मांग की है। वहीं नगरपालिका का कहना है कि जल्द ही समस्या को दूर किया जाएगा। यहाँ पर रावतभाटा नगरपालिका है, नगरपालिका के द्वारा गौशाला भी संचालित की गई है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक में आवारा मवेशी देखे जाते हैं, लेकिन इन्हों को नगरपालिका द्वारा व्यवस्थित तरीके से नगर गौशाला में ले जाने की व्यवस्था की जाए, इसके लिए हमारे स्थानीय चेयरमैन साहब हीरो साहब के द्वारा इसको कार्य को पूरा किया जाए और आवारा मवेशी कम किया जाए, जिससे दुर्घटनाएँ बहुत ज़्यादा अधिक होती है, इनको कम किया जाए।